दोस्तों मिचेल स्टार्क जिनको हम यहाँ बहुत ज़्यादा फर्जी समझते थे, बट ये इंजरी के चलते अभी रिसेंटली बाहर हुए थे। इनकी तरफ से बड़ी अपडेट बाहर निकल कर आ गई है। अभी टीम केकेआर अपना अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ईडन गार्डन पर खेलने जा रही है, यहाँ पर कल को ही। बट अगर बात करें ना यहाँ पर, तो दुश्मांतु जमीरा को अब रेस्ट दिया जाने वाला है। मिचेल स्टार्क पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। आगे गौतम गंभीर और मिचेल स्टार्क के बारे में भी बात करेंगे, इनकी स्पेशल प्रैक्टिस के बारे में भी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल का ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बात करें तो गौतम गंभीर ने हमेशा सपोर्ट किया है यहां पर मिचेल स्टार्क का। इसके अलावा अगर बात करें तो चंद्रकांत पंडित ने भी काफी सपोर्ट किया है। केवल एक रायन टेंडस काटे हैं जो थोड़ा बहुत अगेंस्ट में मिचेल स्टार्क के बोले हैं, और ऐसे भी अगेंस्ट में नहीं बोले कि बिल्कुल खिलाफत कर दी हो। दरअसल दोस्तों वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और इसलिए थोड़ा उन्होंने बोला कि उनको थोड़ी वर्ल्ड क्लास शो करनी चाहिए। बट ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि टीम केकेआर जो पिछला मुकाबला अपनी बॉलिंग की गलती की वजह से हारा था, वहां किसी भी बॉलर ने एक भी यॉर्कर ट्राई नहीं की थी। बट अगर बात करें मिचेल स्टार्क की, तो अब उनको इंजरी से यहां पर बाहर रिकवर हो चुके हैं। फिंगर इंजरी उनको हुई थी आरसीबी के मैच के अगेंस्ट, इसके बाद उन्होंने ये जो पंजाब किंग्स वाला मुकाबला था इसको यहां पर दोस्तों रेस्ट दिया गया था, और अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट कल खेलने वाले हैं। बट इशू की बात यह है कि दिल्ली बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रही है, खासकर वो तीन नाम वाले के आने से। बट लेट्स सी कि मिचेल स्टार्क की वापसी क्या कुछ नया लेकर आ पाती है या फिर नहीं लेकर आ पाती है। टीम केकेआर प्ले ऑफ में तो जरूर पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट अगर टीम केकेआर ये मुकाबला भी हार जाती है तो कहीं ना टॉप टू वाली जो पोजीशन है ना, वहां से फिसल जाएगी, वहां से खिसक जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या मिचेल स्टार्क कल अपनी वापसी के साथ कितने विकेट टीम केकेआर के लिए लेने वाले हैं।